So next topic is synchronous optical network. It is abbreviated as SONET. So synchronous optical network क्या होता है ये हम देखेंगे अभी. The development in optical communication have occurred at a rapid rate. The backbone of the telephone network has become dominated by fiber optic digital transmission system. SONET is an optical transmission interface. SONET क्या होता है ये एक synchronous optical network है. It is an optical transmission interface. It was proposed by Weill Cornell Laboratories. And was standardized by American National Standard Institute, okay, ANSI. ये एक अमेरिका की एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्ड डिसाइड करती है कम्युनिकेशन नेटवर्क का, ओके. तो ये एक स्टैंडर्ड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया हुआ, स्टैंडर्डाइज किया हुआ एक नेटवर्क का सिस्टम है, ओके. तो हम देखेंगे अभी उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है. A compatible version referred to as a synchronous digital hierarchy has been published by ITU. अब ITU क्या होता है? ये International Telecommunication Union होता है. In recommendation G707, the major design goals of SONET are. SONET के जो major design करने के जो major goals है, वो क्या-क्या है? SONET being a synchronous network requires a single clock to handle the time synchronization and equipment across the network. ओके एक सिंक्रोनस नेटवर्क होता है और एक ही स्विच का यूज करके, क्लॉक का यूज करके हम उसका टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल कर सकते हैं. देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन सिस्टम इक्विपमेंट सोल्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. ओके यहाँ पे क्या है, देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन सिस्टम इक्विपमेंट सोल्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. डिफरेंट मैन्युफैक्चरर सोल्ड करते हैं उसके ऊपर, उसका कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड होता है. The physical specification and frame design must include mechanisms that will allow it to carry signal from incompatible tributary systems. उसके कुछ physical specifications होते हैं और frame design होती है. SONET is a multiplex transport mechanism and hence can be the carrier for broadband services such as ATM and BISDN. ATM हो गया है, उसके बाद ब्रॉडबैंड ISDN सर्विसेज हो गए, इंटरनेशनल डिजिटल नेटवर्क. ओके SONET इज बेसिकली अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम, एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम होती है. SONET इज अ सिंक्रोनस TDM. ये हमने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑलरेडी सिंक्रोनस TDM देखा था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, which is controlled by a master clock. एक master clock का use करके उसको control करते हैं. Simply ये क्या है, एक optical network है और ये network के कुछ standard होते हैं वो जो American National Standard Institute ने decide किए हैं. Okay. उसका architecture हम देखेंगे. Let us discuss the architecture of SONET system, which includes signal devices and connections. Synchronous transport signal. A hierarchy of signaling level is defined as for SONET. Such a hierarchy is called as synchronous transport signal, STS. Synchronous transport signal मतलब STS. There are 192 STS, synchronous transport signal. 192 मतलब 192 यहाँ पे क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल होते हैं, उसके लेवल्स होते हैं STS 1 से लेके STS 192 तक. Each one supports a specific data rate as shown in the figure. टेबल बिलो देखो, STS 1, STS 2, STS 3, STS 4 अप टू STS 192 तक, इतने ये क्या होते हैं, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, उतने सिग्नल होते हैं. सिंक्रोनस मतलब एक ही क्लॉक से, सिंक्रोनस मतलब क्या, एक ही मास्टर क्लॉक से कंट्रोल किए जाने वाले. ओके तो यहाँ पे है ऑप्टिकल केबल OC 1, OC 3, OC 9, OC 12 अप टू OC 192. यहाँ पे रॉ है, स्पीड उसका MBPS में है, 51.84 MBPS उसका, और SPE का स्पीड है MBPS में 50.12, और यूजर का, यूजर के लिए स्पीड होता है
49.536 Mbps, ओके, ये पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। फिर ओसी एसटीएस 2 के लिए होता है, रॉ का स्पीड होता है 155.52 Mbps, एसपी का होता है 150.336 Mbps और यूजर के लिए होता है 148.608 Mbps। तो ऐसे डिफरेंट लाइन के लिए, डिफरेंट सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, पर हर लाइन के लिए ये डिफरेंट स्पीड होता है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर का, ओके। तो ऑप्टिकल कैरियर से ऑप्टिकल कैरियर क्या होता है वो हम देखेंगे। द ऑप्टिकल कैरियर्स और ओसीज आर द फिजिकल लिंक विच आर डिफाइंड टू कैरी ईच लेवल ऑफ एसटीएस। एसटीएस मतलब एक लाइन है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल की एक लाइन है, उस लाइन से क्या होता है सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ओके। एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ का सिग्नल उसमें से ट्रांसमिट होता है, पर्टिकुलर स्पीड का सिग्नल उसमें से ट्रांसमिट होता है। ऐसे 192 लाइंस रहते हैं सिग्नल के, 192 सिग्नल रहते हैं किसमें, सोनेट नेटवर्क में, टू कैरी ईच लेवल ऑफ एसटीएस। दिस इज सिमिलर टू द टी और ई लाइन, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने देखा था टी और ई लाइन, उसके सिमिलर ही होता है। द ऑप्टिकल कैरियर लेवल टेल्स अस अबाउट द कंसेप्चुअल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल लिंक विच आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्नलिंग। द मोस्ट पॉपुलर आर OC1, OC3, OC12 एंड OC48। देखो ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये। अब ये सोनेट डिवाइस कैसा होता है, देर आर बेसिक सोनेट डिवाइसेस, थ्री बेसिक सोनेट डिवाइसेस, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिस्टम मल्टीप्लेक्सर, रीजनरेटर एंड एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। देखो अब ये डायग्राम एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नल्स है, ओके, सिग्नल्स मतलब डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट सिग्नल हो सकते हैं, जिसको सपोज उस नेटवर्क में सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ओके। अब जैसा हमारा अभी लेक्चर चालू है तो हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं नेटवर्क में, ओके। तो यहाँ पे है सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एसटीएस मक्स है, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या, ऐसा डिवाइस जो मल्टीपल इनपुट का कन्वर्शन एक सिंगल आउटपुट में करता है। इट सिलेक्ट एनी वन ऑफ द इनपुट सिग्नल फॉर द आउटपुट एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही इनपुट आउटपुट को आता है। यहाँ पे फिर क्या है, और उसको बोलते हैं एसटीएस, वो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है हमें वो है हमारा एसटीएस, ओके, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिग्नल, ओके। यहाँ पे रीजनरेटर होते हैं, उसको सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए या उसको एम्पलीफिकेशन करने के लिए। फिर हम उसको एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को देते हैं। अब ये एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को क्या होते हैं, मल्टीपल मक्स एसटीएस मक्स से आने वाले सिग्नल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इस मल्टीपल इनपुट से एक मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट यहाँ पे सिलेक्ट करता है, ओके। फिर यहाँ पे रीजनरेटर होता है, ये होगा ट्रांसमीटर में, ठीक है। फिर से यहाँ पे रिसीवर सिस्टम होती है, रिसीवर में फिर से एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर होता है। और एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एनी वन वो जो इनपुट आया है उसमें से वो इनपुट जो है एनी वन आउटपुट लाइन में वो उसको सिलेक्ट करता है एट ए टाइम। और सिलेक्ट करने के बाद हम उसको सपोज यहाँ पे दिया हमने, यहाँ पे रीजनरेटर यूज किया फिर से सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, उसका नॉइस रिमूव करने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए। फिर हम वो एसटीएस सिग्नल डीमल्टीप्लेक्सर को देते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर फिर से उस सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को एनी वन आउटपुट लाइन पे उसको सिलेक्ट करता है। इट सिलेक्ट्स एनी वन आउटपुट लाइन फॉर दिस इनपुट सिग्नल, और इसके आउटपुट में हमें सिग्नल मिलता है, आउटपुट सिग्नल, ओके। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल सोनेट नेटवर्क। जैसे सिंपल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग उसका करते हैं, जैसे आपने टी कैरियर सिस्टम देखा होगा या TDM हायरार्की देखी होंगी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, बस वैसे ही होता है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन भी हम देख सकते हैं। देखो द एसटीएस मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज फॉर टू पर्पजेस। इट मल्टीप्लेक्सेस सिग्नल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इनटू एन एसटीएस दैट इज सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, और इट डीमल्टीप्लेक्सेस सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल इनटू वेरियस डेस्टिनेशन सिग्नल, ओके। वेरियस सिग्नल को
सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है या सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल को मल्टीपल आउटपुट सिग्नल में वो कन्वर्ट कर सकता है। ये काम होता है एसटीएस मक्स और डीमक्स का, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। द एसटीएस सिग्नल पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ रीजनरेटर और रिपीटर्स वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन। वो मल्टीपल यहाँ पे रीजनरेटर हम यूज करते हैं क्योंकि सिग्नल जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तब उसका स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम रीजनरेटर यूज करते हैं। रीजनरेटर्स आर बेसिकली रिपीटर्स एंड आर बायडायरेक्शनल डिवाइस। वो बायडायरेक्शनल डिवाइस होते हैं। दे विल जनरेट द एसटीएस अप्लाइड टू देम। दिस विल एलिमिनेट एनी इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन। वो क्या करते हैं, नॉइस को रिमूव करते हैं और सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करते हैं। उससे नॉइस का रिडक्शन होता है और सिग्नल की क्वालिटी बढ़ती है। सोनेट जनरेटर फंक्शंस एट द डेटा लिंक लेयर। आपको लिंक लेयर मालूम है, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। वहाँ पे क्या होते हैं, वो सोनेट जो रीजनरेटर होते हैं वो डेटा लिंक लेयर में फंक्शन करते हैं। द एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर इज कैपेबल ऑफ एडिंग सिग्नल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस और इट कैन रिमूव एनी सिग्नल एंड रीडायरेक्ट इट विदाउट डी मल्टीप्लेक्सिंग द एंटर मल्टीप्लेक्स सिग्नल। वो क्या करते हैं, एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर इट इज कैपेबल ऑफ एडिंग सिग्नल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस और इट कैन रिमूव एनी सिग्नल एंड रीडायरेक्ट इट विदाउट डी मल्टीप्लेक्सिंग द एंटर मल्टीप्लेक्स सिग्नल। देखो यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स है, इसमें से कौन सा भी सिग्नल वहाँ पे हम आउटपुट में सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको आउटपुट में ट्रांसमिट करवा सकते हैं और वो इनपुट लाइन का सिग्नल हम कौन से भी आउटपुट लाइन पे उसको अपीयर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मक्स एंड डीमक्स। तो ये जो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर है, तो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या, वो किसी भी इनपुट को ऐड कर सकता है, मतलब आउटपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, या किसी जैसे हम सिलेक्शन लाइन का इनपुट देंगे उसके हिसाब से हम कौन से भी इनपुट लाइन आउटपुट में सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी के हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐड और ड्रॉप करने के लिए हम ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं। इट कैन रिमूव एनी सिग्नल, वो किसी भी सिग्नल को रिमूव कर सकता है और एंड रीडायरेक्ट इट या उसको रीडायरेक्ट कर सकता है विदाउट डी मल्टीप्लेक्सिंग द एंटर मल्टीप्लेक्स सिग्नल। ओके, सो ये हो गया इस सोनेट नेटवर्क का फंक्शन ऑपरेशन। फिर उसके जो डिफरेंट टर्मिनल्स है, उसके बाद उसके कनेक्शंस, सोनेट के कौन से लेयर होते हैं, फोटोनिक लेयर, सेक्शन लेयर, लाइन लेयर, पाथ लेयर, वो सब लेयर हम अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आपको सोनेट नेटवर्क समझ में आया होगा। एक सिंपली एक ऑप्टिकल नेटवर्क होता है, और ऑप्टिकल नेटवर्क हम क्यों यूज करते हैं आपको मालूम है, क्योंकि नेटवर्क मतलब क्या, जिसमें मल्टीपल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। कहाँ से कुछ डिवाइसेस से हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है, कुछ डिवाइसेस में हमें डेटा रिसीव करना होता है, तो ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और वो फाइबर ऑप्टिक केबल, स्विचेस, नोड्स, ट्रंक्स उसका यूज करके वो कनेक्ट किए होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर हमने उसको इंटरकनेक्ट किया तो उसको ही हम नेटवर्क बोलते हैं। तो सोनेट नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसका एक आर्किटेक्चर होता है, वो अभी हमने देखा। अब उसकी और कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है वो हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके?